सिंगरौली में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें बस और ऑटो के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में ऑटो में सवार 6 लोगों में से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान एक और व्यक्ति की मौत हो गई। यह हादसा सिंगरौली के देवरी गांव में हुआ, जहां सीधी से बैड़न जा रही बस की टक्कर बैड़न से बरगावा आ रहे ऑटो से हो गई, जिसमें ऑटो में सवार 6 लोगों में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान एक और व्यक्ति की मौत की खबर है। पुलिस प्रशासन इस मामले की जाँच कर रहा है। करीबन 1 बजे के आसपास की घटना है। ऑटो बरगवा तरफ से बैठन तरफ आ रहा था। बस जो राहुल बस है बैठन तरफ से बरगवा तरफ जा रही थी, तो ग्राम बड़ाहरा में हादसा हुआ है। 6 आदमी घायल हुए थे मौके पर, जिन्हें जिला अस्पताल बैठन लाया गया था, जिसमें से 1 महिला और 2 पुरुष खत्म हो गए हैं और 1 महिला और 2 पुरुष जा रहा था। हाँ, 2 जो घायल हैं उसमें उनको हेड इंजुरी है, उनका सिटी स्कैन कराया जा रहा है और अभी वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से डॉक्टरों के द्वारा जैसा बताया गया है वो भी सीरियस। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।